अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं कोडवा में। कोडवा के बारे में बात की जाए तो कोडवा फूड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब जो फूड लवर्स है जिन्हें खाने पीने की डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, खास करके नॉन वेज। तो कोडवा में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड मिलते हैं। जैसे मुंबई में मोहम्मद अली रोड फेमस है, वैसे पुणे में कोडवा फेमस है। तो हम ऐसी एक हिडन जेम ऑफ पुणे में आए हैं जो कोडवा में है, जो सीख पराठा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसका नाम है बॉम्बे सीख पराठा। तो इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीख है, आप चाहे बीफ सीख हो, चिकन सीख हो, अफगानी चिकन में अफगानी टिक्का, तंदूरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स मिलेंगे आपको। इनके स्टार्टर्स बहुत ज्यादा फेमस है और इनकी टेस्ट हर तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे अफगानी लेग और चिकन तंदूरी लेग, यहाँ पे उसे वो रोस्ट किया जा रहा है। तो इसका प्रोसेस नॉर्मली ऐसा होता है कि उन्हें चिकन का जो होता है उसे मसाले में लगाकर उन्हें रोस्ट किया जाता है। ये जैसे अफगानी तंदूरी है तो इसे थोड़ा मसाला कम यूज किया जाता है, नॉर्मल अफगान जो मसाले है वो थोड़े कम खाते हैं, और ये प्रॉपर चिकन तंदूरी है जिसमें थोड़े मसाले ज्यादा लगाए जाते हैं। टेस्ट दोनों की बहुत बेहतरीन है। और ये अफगानी सीख है, ये अफगानी टिक्का है फ्रेंड्स, इसे भी रोस्ट किया जाता है। नॉर्मली जितने भी स्टार्टर्स यहाँ पे है उसे रोस्ट किया जाता है और बनाया जाता है। आप वहाँ पे सीख देखेंगे, सीख को भी रोस्ट किया जाता है, खीमा बनाए। हेलो भैया जी सर, आपका नाम? फरीद भाई। तो फरीद भाई, ये इतने सारे डिशेज है, इतने डिशेज में से आपका सबसे फेमस कौन सा है? इसमें फेमस है बीफ स्टिक पराठा। अपना बीफ स्टिक पराठा, हाँ। क्या खासियत है बीफ स्टिक पराठा की? ना, बीफ स्टिक पराठा इधर फेमस है, अच्छा चल रहा है इधर, बीफ स्टिक पराठा बहुत फेमस है इधर। अच्छा, हाँ। और बाकी इसका नाम क्या है, स्टार्टिंग से बता सकते हैं सबके बारे में? हाँ, सबके साथ बता सकता मैं। बताओ ना फिर। ये तंदूरी है, ये अफगानी है, ये अफगानी लेग है, ये तंदूरी लेग है, ये चिकन टिक्का है, ये मलाई टिक्का है, ये चिकन रोल है, ये बीफ रोल है। चिकन कौन सा है, बीफ कौन सा है? ये चिकन है, ये बीफ है। और इसमें का ये अफगानी है, ये तंदूरी है, ये तंदूरी लेग है, अफगानी लेग है, चिकन टिक्का है, मलाई टिक्का है, वो चिकन है, वो बीफ है। और चिकन में सबसे फेमस कौन सा है? चिकन में, तंदूरी में, सब में ओवरऑल चिकन में सीख पराठा भी फेमस है। अपने पास जितना आइटम है सब फेमस, अच्छा है। हाँ, और स्टार्टर में ज्यादा आइटम है आपके? हाँ, स्टार्टर में ही फेमस है। हाँ, स्टार्टर में फेमस। बिरयानी भी है? हाँ ना, बिरयानी भाई। अच्छा, इसकी प्राइस क्या होंगी? 400 का। हाँ। ये फुल है 350 का, तंदूरी 120 का, चिकन टिक्का 120 का, मलाई टिक्का 120 का, अफगानी लोग 140 का, बीफ स्टिक है 70 का, चिकन स्टिक है 80 रुपए का, और चिकन रोल है 60 रुपए का, बीफ रोल है 60 रुपए का। ठीक है। फ्रेंड्स, हमने सीख पराठा ऑर्डर किए थे तो हमारा सीख पराठा आ चुका है। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे चिकन सीख पराठा और उसके बाद हम खाएंगे मटन सीख पराठा। तो मटन सीख पराठा की प्राइस नॉर्मली 70 रुपीज़ है और जो चिकन सीख पराठा की प्राइस 80 रुपीज़ है और पराठा के पास 20 रुपीज़ है। और तो हम आइए देखते हैं इसकी एक्चुअल टेस्ट कैसी है। सबसे पहले हम नींबू डालेंगे इसमें। और हम देखेंगे इसकी टेस्ट कितनी अच्छी है। ये पुदीना की चटनी है फ्रेंड्स, ये जो सीख पराठे का टेस्ट दुगना करने के लिए काम आती है। साथ में पुदीना भी दिया है उन्होंने, नींबू दिए है, ऑनियन दिए है। तो इस पर डिप करेंगे।
साथ में एक पुदीना का पेस्ट को और बढ़ाएंगे। टेस्ट बहुत अच्छी है, मतलब जितने भी सीख पराठे मैंने खाए है उसमें सबसे बेस्ट लगा मुझे। अभी हम मटन सीख भी टेस्ट कर देखते हैं, इसकी टेस्ट कैसी है। दोनों की टेस्ट बहुत अच्छी है, बट ज्यादा मुझे मटन सीख ज्यादा अच्छा लगा। चिकन सीख भी बहुत अच्छा है, बट मटन सीख का मसाला बहुत सही ऑथेंटिक टेस्ट आ रही है। और अभी मेरा फ्रेंड बताएंगे इसकी टेस्ट कैसी है। तो गाइस, भाई ने टेस्ट किया एंड भाई को बहुत अच्छा लगा। नाउ इट्स माय टर्न, लेट्स चेक की कैसे होता है कैसे नहीं। ओके, तो फिर ये चिकन एंड डेप्थिंग। कबाब बहुत सही है, सॉफ्ट है एंड उसका मसाला का जो फ्लेवर आ रहा है इट्स ग्रेट। एंड पराठा नॉर्मल पराठा नहीं है, थोड़ा क्रंची एंड क्रिस्पी टाइप है। तो फिर उसके साथ कबाब इट्स लाइक जस्ट वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं अब मटन ट्राई करने जा रहा हूँ हाउ इट इज़, तो फिर देखते। तो फिर मैंने तोड़ लिया पराठा एंड मटन थोड़ा चटनी में डिप किया। ले लो पुदीना। बहुत आर बेस्ट, बट मुझे ज़्यादा अच्छा मटन लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे मटन पहले से भी पसंद है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से ये और ज़्यादा अच्छा बनाया उन्होंने। चिकन भी अच्छा है, पर चिकन से साथ अगर कंपेयर करें तो मटन इज़ बेस्ट। ओके, और दोनों का जो सॉफ्टनेस है वो सेम है, दोनों का मसाला का फ्लेवर भी जस्ट हुआ है। दैट्स ऑल, आई जस्ट लव दैट। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे चिकन सीख और मटन सीख दोनों टेस्ट किया, मटन जो सीख था उसमें जो मसाले का जो फ्लेवर था मैंने बनाया है बहुत अच्छा मिक्सर किया है उन्होंने, तो इस वजह से उसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो पराठा है वो पराठा भी बहुत अच्छे से उन्होंने ट्राई किया है, वो बहुत बेस्ट तरीके से, जब हम पराठे के साथ अगर सीख खाते हैं और उसको पुदीने की चटनी, तो उसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं मटन सीख को 10 में से 10 दूंगा, बिकॉज मुझे तो बहुत पसंद आया। और मैं चिकन सीख को 10 में से 9 दूंगा, 10 out of 9। और मेरा नाम अफान फारूकी। ओके, तो आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हो? भाई मैं इधर 10 ईयर से आ रहा हूँ। मेरा जब भी महाराष्ट्र आना होता मैं बिस्मिल्ला होटल पे हर दफा आता। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इसमें क्या खास बात है मतलब यहाँ पे जो आप इतने सालों से आ रहे हो? सर यहाँ का जो अफगानी चिकन है वो बहुत ज्यादा टेस्टी है, और मतलब मैं मानता हूँ आसपास में इधर मैं पूना में काफी जगह ट्राई किया, ऐसा नहीं टेस्ट है जो इधर का टेस्ट है, ऑथेंटिक टेस्ट मिलती है। हाँ, ऑथेंटिक टेस्ट। अच्छा, और आपका फेवरेट क्या है यहाँ पर? यहाँ का फेवरेट जो है तो अफगानी ही है। अच्छा, और बहुत मतलब इधर में और जगह का भी वो काफी जगह का ट्राई किया लेकिन इधर का बेस्ट है अफगानी चिकन। जी, अफगानी चिकन। अच्छा, ठीक है ठीक है। और 10 में से कितने स्टार दोगे इसको? सर 10 में से 10 ही देंगे हम तो। 10 में से 10 ही देंगे, इतना अच्छा है? हाँ, फुल टेस्ट है एकदम। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हमारे व्यूअर्स क्या बोलना चाहोगे आप? कुछ बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इधर आइए और टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा इनका टेस्ट है और अफगानी चिकन इधर का सबसे ज़्यादा बेस्ट है। थैंक यू भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हेलो भैया। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम एंथोनी है। भैया, तो भैया आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हो? मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे एक 8 से 9 महीने से आ रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मैं सीख कबाब खाने के लिए आता हूँ स्पेशल, और पराठा। अच्छा, तो उनका सीख कबाब और पराठा बहुत औसम है। और बाकी सर्विस, यहाँ के बच्चे लोग जो सर्विस देते हैं इज गुड, मतलब रिस्पेक्टफुली बातें भी करते हैं और मज़ा भी आता है खाने के लिए। बट आज बिरयानी ख़त्म हो गई करके मैं रिटर्न वापस जा रहा हूँ मैं।
बस इधर पे खाता हूँ और दूसरी जगह मैं कहीं नहीं खाता हूँ। बिरयानी कौन सी अच्छी है? या बीफ बिरयानी? बीफ बिरयानी यस। और सीख में कौन सा सीख अच्छा लगता है? सीख अपना बीफ सीख। बीफ सीख यस बहुत अच्छा। और इसमें क्या खासियत है जो आपको? इसमें खासियत ये है कि जो जिस प्रकार से उन लोग बनाते हैं ना डेलीसीज एकदम बहुत टेस्टी जो बनाते हैं ना उसमें जो बटर लगाते हैं ना वो बहुत औसम लगता है। अच्छा जी। और अगर 10 में से स्टार देंगे कितने स्टार दोगे? मैं 9 9 10 9 या 10 10 10 10 ठीक है ठीक है। थैंक यू भैया, बात करिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हेलो भैया, आपका नाम? मोहम्मद आकिब। ओके, तो भैया आप कितने साल से आ रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे तो मैं 4 साल से पुणे में रह रहा हूँ और लगभग आता रहता हूँ वीक में 2-3 बार। वीक में 2-3 बार क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? बॉम्बे का ये सीख कबाब बहुत प्यारा है, इनका टेस्टी होता है, ऑयली भी नहीं होता उसमें सीख कबाब में, और पराठे में भी बहुत अच्छा होता है, और इनका अफगानी चिकन बहुत प्यारा होता है। अफगानी चिकन अच्छा। और अगर आपको 10 में से स्टार दोगे तो कितने स्टार दोगे? 10 में से स्टार देना होगा तो मैं 7 दूंगा। 7? हाँ। क्यों? 3 क्यों कट किए? 3 इसलिए कट किए, थोड़ी सी सर्विस वगैरह स्लो है उसमें, बाकी टेस्ट वगैरह सब अच्छा। सर्विस क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है इसके वजह। वेटिंग कर रहा है। वेटिंग वेटिंग। ओके भैया, थैंक यू भैया। आपका नाम भैया? अफरोज अहमद। अफरोज अहमद, हाँ जी। तो आपको क्या अच्छा लगा यहाँ का? इनका स्पेशली तो सीख कबाब अच्छा है, और ये पराठा इनका बॉम्बे सीख कबाब फेमस भी है। हम लोग तो आते रहते हैं 2-3 बार हफ्ते में तो आते रहते हैं खाने के लिए, अच्छा लगता है और टेस्टी भी होता है काफ़ी। तो बेसिकली ओवरऑल माना जाए तो टेस्टी है। टेस्टी है। हेलो भैया, आपका नाम? तैयब। तैयब। ओके तैयब भाई, आप कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? कम से कम 2 साल से तो आ रहा हूँ। 2 साल। तो इसके टेस्ट के बारे में क्या बोलोगे आप? यहाँ का सीख हमारा फेवरेट है। फेवरेट है। तो हम पूरा फैमिली के साथ इधर आते हैं एवरी सैटरडे संडे, और इस संडे को टाइम नहीं मिला तो आ जाए। अच्छा, और मतलब इतना अच्छा क्या लगता है, क्या इसमें बहुत बेस्ट है? बाकी सीख से थोड़ा टेस्ट अलग है, इसलिए हम आते हैं इधर, मतलब कातरस से आए हम। अच्छा, एवरी सैटरडे संडे आते हैं कातरस। और अगर 10 में से स्टार दो कितने स्टार दोगे आप? 10 10 अच्छा। ओके थैंक यू भैया। हेलो भैया, आपका नाम? सुभाशीष। सुभाशीष, हाँ। तो सुभाशीष भाई, आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हो? अराउंड 3-4 साल, मतलब जब तक कॉलेज था, कॉलेज के फर्स्ट टाइम इफ्तार में आए थे, उसके बाद से बस वही कल कोई नल्ली निहारी खाने आ गया वगैरह। नल्ली निहारी? हाँ। अच्छा, तो आपका फेवरेट यहाँ पे क्या है? नल्ली निहारी। एग्जैक्टली उसी के लिए। और कितने स्टार दोगे आप 10 में से इसे? 8.5। 8.5 और भी जगह का खाया है, बट यहाँ का अलग है। सबसे बेस्ट कौन सा है पुणे? अभी मेरे को यहाँ का सबसे बेस्ट है, अभी तक मैंने देखा है। ठीक है ठीक है। और नल्ली निहारी सबसे बेस्ट का है पुणे यहाँ? अच्छा, ओनली। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।